करोगे तभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक वीडियो आ पाएगी, बैक टू बैक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पाऊंगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग इंटरव्यू है, हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी है, जो भी आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहेगा आप ईमेल कर सकते हो, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TCS स्मार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड एक कैंडिडेट ने मुझे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है, थैंक्स टू सुमित। अगर सुमित इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक्स टू सुमित। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी रिसेंटली इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, एंड इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप देख के आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर आ रहे हैं, कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो वीडियो ध्यान से देखना, एंड जितने स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अभी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बहुत सारा टॉप नॉच लेवल कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू PDFs बनाई है, काफी इंटरव्यू के मटेरियल्स बनाए हैं, इंटरव्यू मटेरियल्स बनाए हैं जिनके अंदर आपके TCS स्मार्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, HR क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं आपके TCS स्मार्ट इंटरव्यू के अंदर। सो बिल्कुल भी वेट मत करना, सबसे पहले इन रिसोर्सेज को ले लेना। अब भैया ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलने वाले हैं, जितने स्टूडेंट्स पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा, बट जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जितने स्टूडेंट्स ने अब तक ये PDF नहीं ली है, कैसे लेनी है वो मैं बता देता हूँ। चलते हैं PDF की तरफ, डायरेक्टली आ जाना आपको टॉपमेट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा, एंड यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट टॉप नॉच लेवल मटेरियल बनाया गया है आपके इंटरव्यूज के लिए। यहाँ पे आप पैकेजेस देख सकते हो, TCS स्मार्ट एंड इग्नाइट इंटरव्यू मटेरियल, जिसके अंदर आपको एक HR इंटरव्यू क्वेश्चन की PDF मिलेगी, एक आपको इंटरव्यू की क्वेश्चन की PDF मिलेगी जिसके अंदर टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे विद आंसर, एंड एक क्लिक रेफरल टेम्पलेट। वन क्लिक के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर रेफरल ले सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे गेट एक्सेस पे जाओगे, ये बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट, एक बिल्कुल फ्री वाली अमाउंट रखी है 11 रुपीज, जिससे हर एक स्टूडेंट ग्रैब कर पाए। यहाँ पे आपको नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड 11 रुपीज के अंदर आपको ये परचेज कर लेना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नेक्स्ट आपको आ जाना है यहाँ पे TCS स्मार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पैकेज पे, ये आप सभी स्टूडेंट्स को ले लेना है। इसके अंदर दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, दो रियल कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, इसको जरूर ले लेना। एंड नेक्स्ट बिगेस्ट जो आप लोग के लिए मटेरियल बनाया गया है वो यहाँ पे रहने वाला है, टॉप 20 गारंटीड, टॉप 20 TCS स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये टॉप 20 स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब ये मान लेना इतने टॉप नॉच लेवल शीट होने वाली है, कंप्लीट शीट बनाई है। इसमें 20 जो स्मार्ट क्वेश्चन होंगे, स्मार्ट हायरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे, ये सारे के सारे काफी एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं, एंड ये क्वेश्चन मस्ट है हर एक स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के अंदर। 3 से 4 क्वेश्चन किसी के, 3 किसी के, 4 किसी के सारे क्वेश्चन भी इस शीट के अंदर से आ सकते हैं। सो एक गारंटी टॉप 20 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को कर लेने हैं। अभी के अभी सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर लो, लिंक मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। सो अभी जाओ, अभी के अभी ग्रैब कर लो। अब मैं आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो हमने TCS स्मार्ट इंटरव्यू वन शॉट बनाया है, एंड जो मैंने PDF बनाई है उसके अंदर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है उसके अंदर मैंने बताया, बट यहाँ पे मैं आपको एक क्विक चीजें बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका टेक्निकल होगा, ये इंट्रो जो होगा वो टेक्निकल होगा। इसके अंदर अपने फादर मदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है। यू हैव ओनली से माई नेम इज XYZ एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग BTech फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज, एंड आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सपोज आपको जावा आती है, आपको C++ आती है, आपको पाइथन आती है, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहाँ पे बताना है। आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन C++, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन C, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन जावा, आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन पाइथन, ऐसे करके आपने आंसर बताना है। एंड अगर आपने कोई अचीवमेंट की है, कोई कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किया है, कहीं पे आपकी अच्छी रेटिंग है, सपोज आपने हैकर रैंक, लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कहीं पे भी आपकी अच्छी स्टार रेटिंग है, सो वो भी आपको बतानी है। ये चीज होगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में हल्का सा बता देना। ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ 2 मिनट से ज्यादा रैपअप मत करना, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर आपको 4 to 5 लाइन एंड मैक्सिमम 6 लाइन के अंदर अपना
टेल मी अबाउट योर सेल्फ रैप अप कर देना है। इंटरव्यूअर को बिल्कुल भी बोर करने की कोशिश मत करना, अगर आप उसको बोर करने की कोशिश करोगे सो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप सोचोगे कि हम उसको एक क्वेश्चन पे स्टिक करके रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी बोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे, इंटरव्यूज लिया खुद से, तो मैं वहां पे देख रहा हूँ कि यार आप लोग को प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है। आपने यूट्यूब से प्रोजेक्ट लिया है, आपने गिटहब से कॉपी पेस्ट किया है। सो अगर आपने कॉपी पेस्ट भी किया है, आपने यूट्यूब से भी लिया है, सो मेरा सिर्फ एक बोलना है, एक कहना है आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग को प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं सो आपको पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर मॉड्यूल का क्या काम है। आपने नोड जेएस यूज किया है तो नोड जेएस के बारे में पता होना चाहिए, रिएक्ट जेएस यूज किया तो रिएक्ट जेएस के बारे में पता होना चाहिए, जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज की है उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब जब आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया, सपोज आपका प्रोजेक्ट है, कुछ भी आपका प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अब आपको देखो कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं। सो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके जरूर आए होंगे, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट का हो, चाहे वो आपका लीडरशिप स्किल का हो, चाहे वो आपका टीम का हो, कोई भी अगर आपके चैलेंजेस आए हैं तो वो आपको बताने हैं। यहाँ पे चैलेंजेस का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। दे आस्क डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट जेएस एंड नोड जेएस। अब उनका प्रोजेक्ट, जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उनका प्रोजेक्ट सपोज नेक्स्ट जेएस एंड नोड जेएस पे था, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेप्थ में जा रहा है इंटरव्यूअर, एंड हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग होगा। इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर चीजें डिपेंड करेगी, कुछ स्टूडेंट से डायरेक्ट एचआर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, कुछ स्टूडेंट से टेक्निकल पे फोकस किया गया है, कुछ स्टूडेंट से रेज्यूमे पे फोकस किया है। सो रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेज्यूमे इज द कोर कॉन्सेप्ट एंड इट इज द मेजर रोल प्ले, ठीक है, ये आपका एक मेजर रोल प्ले करने वाला है एंड एक ये क्रूशियल इम्पैक्ट डालने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका रिजेक्शन होगा। बिकॉज रेज्यूमे के बेसिस पे आप सबसे पहले अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है, रेज्यूमे के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड वॉट एवर यू मैंशन इन योर रेज्यूमे, सपोज आपने जावा मैंशन किया है तो आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए, आपने सी प्लस प्लस मैंशन किया है सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप रेज्यूमे के अंदर मैंशन कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो ऊप्स बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है ऊप्स, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊप्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, बट उसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे हैं। एंड मैंने नोट्स के अंदर जो मैंने पीडीएफ अभी आपको बताई है उसके अंदर भी मैंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताया, सो वहां से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है एसक्यूएल जॉइंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूअर डायरेक्टली आपसे क्वेरीज लिखवा सकता है, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन इनर जॉइन कुछ भी क्वेरी वो आपसे करा सकता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। आर यू ओके टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड वीकेंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्निकल प्लस एचआर कंबाइन हो रहे हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट के सिर्फ टेक्निकल हुए हैं एंड उनके अपकमिंग एचआर इंटरव्यू हो गए, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स को एचआर के लिए कॉल आ गई सो ये मान लेना कि आपका 99% आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। आर यू ओके टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड वीकेंड्स। सो यहाँ पे यस आपको आंसर करना है, कभी आप लोग अपनी एक ईगो के अंदर बोल दो नो, ठीक है, आपको यहाँ पे यस आंसर करना है अगर आपको जॉब चाहिए, टीसीएस के अंदर सिलेक्शन चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे नो बोल सकते हो, बट ऐसा बहुत कम एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो यहाँ पे नो बोलेगा, हर एक स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए तभी आप लोग वीडियो देख रहे हो। देन आस्क अबाउट मास्टर आर यू हैविंग प्लान फॉर एमसीए। देखो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से मास्टर के बारे में चीजें पूछी गई है, एंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको कहना है नो प्लान्स, नो प्लान्स स्टिल, ठीक है। आपको ये शो करना है कि अभी आपको जॉब करनी है, अभी आपको प्लेसमेंट लेनी है एक अच्छी कंपनी में लाइक टीसीएस। जब आप ये चीज शो करोगे तो सामने वाले इंटरव्यूअर को लगेगा कि इसको अभी जॉब लेनी है, ये प्लेसमेंट्स के लिए सीरियस है। अदरवाइज अगर बोलोगे कि आपका प्लान है एमसीए के लिए तो वो सोचेगा कि यार ये एक साल काम करेगा, 6 महीने काम करेगा, उसके बाद एमसीए करेगा, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अपने फर्दर प्लान्स नहीं बताने, अगर आपके प्लान है तब भी आपको नहीं बताने हैं, कुछ कुछ चीजें आपको ऐड करके चलनी पड़ती है। सो यहाँ पे सिर्फ आपका टारगेट जॉब प्लेसमेंट होना चाहिए। टेल मी अबाउट इंटर्नशिप वर्क।
अब जो स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की है, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर्नशिप की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी मेल्स पे बात होती है, कमेंट सेक्शन के अंदर बात होती है। सो वहाँ पे मैंने देखा है कि यार इंटर्नशिप बहुत कम स्टूडेंट्स ने की है। सो अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। बट अगर आपने इंटर्नशिप किया तो प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंटर्नशिप के बारे में भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया है तो यहाँ पे टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप वर्क पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आस्क हाउ मेनी इंटरव्यूज डू यू हैव अटेंड। अगर आपने 3 इंटरव्यू किए हैं, 4 इंटरव्यू किए हैं, आपको बताने हैं। नेक्स्ट, व्हाई चूज टीसीएस रेदर देन अदर कंपनी, ये आपको गूगल पे अच्छी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, चैट जीपीटी करोगे चैट जीपीटी मिल जाएगी, इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना इस आंसर को। 100% कन्फर्म है ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे रीफ्रेम हो जाएगा, वाई टीसीएस, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन टीसीएस, ठीक है। बस आपको एक बार आंसर रीड करना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। सो ये कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। जो मैंने अभी आपका मटेरियल आप लोगों के लिए बनाया है, पैकेजेस बनाए हैं, पीडीएफ बनाई है, उनको अभी के अभी ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा, अभी के अभी जाओ एंड चीजें ले लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।